नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूँ आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी ने तेजस विमान से भरी उड़ान, बोले अद्भुत अनुभव, स्वदेशी क्षमताओं पर बड़ा भरोसा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुरक्षा पहलुओं पर की समीक्षा बैठक, सुरक्षा कार्य योजना बनाने को लेकर दिए कड़े निर्देश। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, कहा प्रचार बंद होने के बाद देश की जातिगत जनगणना किसे वोटर्स को प्रभावित किया। सीबीआई ने महुआ मोहित्रा के खिलाफ जांच शुरू की, कैश फॉर कैरी केस से जुड़ा है मामला, बीजेपी सांसद ने लोकपाल से की शिकायत। हरियाणा में 40,000 बुजुर्गों का पेंशन लेने से इनकार, सरकार ने 100 करोड़ बचे, सीएम बोले इस राशि के सेवा आश्रम के निर्माण में देंगे। अलीगढ़ में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन, बेटियों की शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही गई है। बहराइच में डीएमएसपी ने लिया समाधान दिवस का जायजा, 9 प्रार्थना पत्र में से 2 का मौके पर निस्तारण। बहराइच में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, 2 सेल्समैन की मौत, 1 घायल, अज्ञात वाहन की टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई। बुलंदशहर में मापतौल विभाग का लिपिक मांग कर रहा था रिश्वत, पुलिस ने लिपिक को गिरफ्तार करके भेजा जेल। गोंडा में रामलीला देखने गए युवक की हत्या, हत्या से इलाके में फैली सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। चीन की मदद से प्रदूषण पर लगाम लगाएगा पाकिस्तान, लाहौर में चीनी टेक्नोलॉजी के दम पर आर्टिफिशियल बारिश करने का लिया फैसला। पेरिस की इमारत में भीषण आग, 3 महिलाओं की मौत, 1 बच्चा समेत 8 घायल, फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को करनी पड़ी मशक्कत। 4 दिन से ज्यादा बढ़ सकता है शांति समझौता, घर लौटे 17 बंधक, वेस्ट बैंक ने 6 फिलिस्तीनियों की मौत। इसराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में हमास समर्थकों ने दी 3 फिलिस्तीनियों को सरेआम फांसी, इजरायली सेना को जानकारी मुहैया कराने का आरोप। सीज फायर के बीच लेबनान ने इसराइल पर दागा एरियल ऑब्जेक्ट, इसराइल रक्षा बलों के ने नाकाम कोशिश। मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे हार्दिक पांड्या, एबी डिविलियर्स ने किया बड़ा दावा, गुजरात टाइटंस के लिए कामयाब कप्तान साबित हुए हार्दिक। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने पुराने दिनों को किया याद, कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने लिए क्रिकेट किट खरीद सकूं। आईपीएल 2024 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में हुआ बदलाव, स्टार ऑलराउंडर को ट्रेड कर मयंक डागर को किया टीम में शामिल। रिंकू सिंह के फैन हुए तिलक वर्मा, कहा जिस तरह आखिरी ओवर में रिंकू गेम फिनिश करते हैं उस तरह मैं भी करना चाहता हूं। वो 5 से 6 मिनट जब टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी, सूर्य कुमार यादव ने लम्हों को किया याद। सलमान खान के छोटे फैन ने जीता हर किसी का दिल, स्कार्फ पहनकर सोशल मीडिया पर छाया छोटा टाइगर। एनिमल के ट्रेलर पर सनी देओल का आया रिएक्शन, बॉबी देओल का एक्शन, बड़े भाई की छाती हुई गर्व से चौड़ी। रणदीप हुड्डा ने लिन लेशराम के साथ किया अपनी शादी का ऐलान, वेडिंग डेट से लेकर वेन्यू तक का कर दिया खुलासा। अमिताभ बच्चन ने बेटी के नाम किया प्रतीक्षा बंगला,
81 की उम्र में 3,390 करोड़ के मालिक अभिषेक से 3 गुना ज्यादा अमीर है ऐश्वर्या। बिग बॉस 17 से एक्टिव हुई पत्रकार जिग्ना बोरा, अंकिता लोखंडे की प्रेगनेंसी पर सस्पेंस हुआ खत्म, जिग्ना बोरा बोली उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।